फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फुल रेसिपी ब्रेड रोल की। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल कर लिए, मैं यहाँ मैश कर रही हूँ उनको, और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी इसके तड़के की, यानी कि इसको मैश करके मेरे को प्याज कट करने हैं। प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करना है, जो कि मैंने यहाँ कर लिया है। और अभी राई का तड़का मार रही हूँ। राई डालेंगे, थोड़े से तेल लेंगे, उसमें राई डाल देंगे, और उसके बाद प्याज और जो हरी मिर्च है उसका तड़का डाल देंगे, और थोड़ा सा हम हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा नमक, जैसे भी आपको लगे वो डाल दीजिएगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, लाइट या आप जैसा भी खाते हो। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है, थोड़ा पीसा हुआ जीरा मसाले भी डाला है, और मैंने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना अधकच्चा प्याज रखते हैं वैसा मैंने रखा है। और फिर उसके बाद सारे मसाले को मैंने मिक्स करके और उसके अंदर जो हमारा उबला हुआ आलू का मसाला उसके अंदर ही डाल दिया। मैंने आलू को उसके अंदर नहीं डाला, मसाला तड़का जो है इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मेरे को उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना वो ब्रेड रोल के लिए मसाला जो बहुत पतला हो जाएगा। यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने ब्रेड की जो कॉर्नर है उनको साइड से कट कर लिया है, और उसको दूध और थोड़ा सा पानी मिला के हमको ऐसे डिप करना है, और सारा पानी निकाल देना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा मसाला लेना है, ऐसे रोल सा बना देना है, और उसको अच्छे से कवर कर देना है, बस वो मसाला बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हम आराम से हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करके और इसको कवर कर देंगे, और बस इसको कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लेंगे। और मीडियम आंच पे रखना है, तेज़ पे नहीं रखना है, मीडियम आंच पे हमको हल्के हल्के इनको पलट पलट के भी अच्छे से फ्राई करना है। और ये जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तभी हम इनको निकाल लेंगे, और बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आप सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।